ये आपके सामने मैंने खोली हुई जी IMF की वेबसाइट, और इस पे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो हुआ है US$3 बिलियन का पाकिस्तान के साथ 4 दिन पहले, 3 4 दिन पहले, उसकी जो डिटेल्स हैं वो लिखी हुई हैं। ये प्रेस रिलीज नंबर 23/251 है इनकी, IMF की। आप देख सकते हैं ये IMF की वेबसाइट है। तो इस पे थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसमें देख लें, एक तो ये इसमें टाइटल में क्लियर है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने जी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है विद पाकिस्तान। और इसमें आगे इसमें इन्होंने डिटेल भी दी हुई है, ठीक है, पाकिस्तानी मीडिया की तरह नहीं है, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो होता है, ये इनिशियल लेवल एग्रीमेंट होता है। इसमें अपनी जो सिफारिशात हैं या जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है, ठीक है, वो IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड के सामने पेश की जाती हैं। और उसके बाद बोर्ड जो है, IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड, वो ये डिसाइड करता है कि अब फाइनल डिसीजन क्या लेना है, ठीक है। डिस्कशन होती है उनके दरमियान और फिर वो डिसीजन मेकिंग ये फाइनली करते हैं। तो इसका जो डिसीजन है कि ये $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलना है या नहीं मिलना है, ये मिड जुलाई में, ठीक है, यानी जुलाई के महीने के तकरीबन 15 जुलाई के राउंड अबाउट, ये जो है 15-16 जुलाई में या 17 जुलाई में ये डिसाइड करेंगे। और ये यहाँ पे भी इन्होंने दोबारा से ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं, ठीक है। तो इसमें क्वाइट एविडेंट है कि अभी तक ये चीज़ डिसाइडेड नहीं है कि ये जो मज़ीद जो हमारा एग्रीमेंट है लोन का IMF के साथ, ये इन्होंने देना है या नहीं देना है, ये अभी श्योर नहीं है। बट इसमें इनिशियल जो एग्रीमेंट है वो हो चुका है, फाइनल अप्रूवल जो है वो मिड जुलाई में मतवक्के है, ठीक है जी।